ओम शांति। 9 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो। बाबा से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए तुम्हें कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रिया वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती। इसलिए पावन बनने के लिए भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। आज की मेन पॉइंट्स हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मुझे इस भारत में आकर के कल्प कल्प इस भारत में क्या करना है सो मैं जानता हूँ, सब कुछ समझा भी देता हूँ। भल कोई कुछ ना भी पूछे तब भी मैं सब समझा देता हूँ। कई कहते हैं खान पान में बहुत तकलीफ होती है, बाबा कहते हैं ये तो समझ की बात है। योग बल से काम लो, कोई भी आसुरी काम ना करो। ईश्वरीय संतान है तो आसुरी काम नहीं होना चाहिए। शिव बाबा को पुकारा है तो अब बाप पर नशावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, अजामिल एक नहीं है, यहाँ हर कोई पाप पे पाप करता रहता है। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती पाप करते अजामिल जैसे बन गए हैं। अब बाप कहते उल्टा काम कोई भी नहीं करो, तो नहीं करना चाहिए, फिर भी मानते थोड़े ही हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। पुलिस आदि में अगर काम करते हो, किसी को आंख दिखानी पड़ती है, तो भी प्यार से काम लेना चाहिए। प्यार और नम्रता से ही बात करनी चाहिए। कोई गुस्सा करे तो फूलों की वर्षा करनी चाहिए। योग बल से काम लेना चाहिए, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी बाप समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, रचयिता और रचना को जानना, यही है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है तो उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। विश्व की बादशाही रिफ्यूजी की तो खत्म ही हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज के धारणा सार है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। नंबर दो, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच बिलव्ड है, उस पर जीते जी नशावर हो जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, कोई उन्हें हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। और आज का स्वमान रहेगा, मैं बाबा का अनुभवी रतन हूँ। ओम शांति।